हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए तो सभी लोग आज ये साइले नवरात्रि हो गई, भी दशहरा हो गया, बड़ा मजा आया है ना। और मैं बहुत दिन बाद सेलिब्रेट किया, बड़ा खुशी हुई, मतलब थोड़ा अब एनर्जी सी लग रही है। आज से कुछ अच्छा करने वाला हूं मैं, मतलब दिल से निकल के आ रहा है कि कुछ अच्छा करते हैं आज। ठीक है, एक होता जो टेंशन वेंशन होती है, जब दुर्गे जी जाओ नवरात्रि में गया, वो जो सेलिब्रेशन था आप लोगों ने देखा होगा, इंस्टाग्राम में धुआं मचा दिया था, धर के लाइव किया था। यूट्यूब में इस कारण से नहीं किया था क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट कैसे आ जाता है, इस कारण से नहीं किया था। मैंने खूब इंजॉय किया, मजा आ गया, बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। ढेर सारी क्लासेस रहेगी, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, एनर्जी के साथ में और हैप्पीनेस के साथ में। और दशहरा अच्छा गया, मैं 2 दिन के लिए गया था। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड। क्लास स्टार्ट करते हैं, जीके एक्सप्रेस की क्लास है और ये क्लास 9 बजे होती है। आज सिर्फ 12 बजे हो रही है, कल से डेली 9 बजे ही होगी ये वाली क्लास, सुबह 9 बजे। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और क्लास स्टार्ट करें, समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है, नवरात्रि वगैरह हो गई है, धुआंधार पढ़ाई कीजिए, दिवाली तक लगातार पढ़ाई करेंगे, फिर दिवाली के बीच में छुट्टी करेंगे, बाकी फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये लीजिए, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसे स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता को कई बार तूतीय हिंद भी कहा जाता है। ध्यान से रुकना, तूतीय बोल रहा हूं, ठीक है, गलत ना सुन लेना। मैं एक बार पढ़ा रहा था कहीं पर तो मैंने गलती से कुछ और बोल दिया था, हो जाता, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इस कर से थोड़ा ध्यान रखिएगा। तूतिया गाना सुना है, बस वही वाले हिंद। तूतीय हिंद किसको बोलते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो और अमीर हसन, किसको बोलते जी? आंसर वेरी सिंपल, किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहां पर? याद रखना, अमीर खुसरो से 6-7-8 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहां करा दूंगा। ठीक है, चल, अमीर खुसरो का जन्म कहां पर है? एटा, कासगंज, कन्नौज और लखनऊ। आंसर इज वेरी सिंपल, एटा है ना, अमीर खुसरो को एटा कहा जाते हैं। याद कर कैसे रखोगे? मैंने कैसे याद रखा मैं बताता हूं। ये जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत ही अजीब होते हैं ना, क्योंकि अमीर जो होता है ये पैसा से नहीं होता, अमीर दिल से होता है ना। जो अमीर लोग होते हैं ये घंटा किसे कुछ नहीं समझते। मैंने ऐसे याद किया कि जो अमीर लोग होते हैं ना, घंटा किसे कुछ नहीं समझते, तो घंटा सेंटा कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए सैफुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी असदुल्ला बेग और ऑप्शन डी मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया की बड़ी फेमस दरगाह है, लोग बड़ी मात्रा में वहां पर जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया है ना। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का रियल नेम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो और मोहम्मद खान। आंसर इज वेरी सिंपल, मोहम्मद हसन। याद रखना, अमीर खुसरो से 6-7-8 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 6-7-8 क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो थे किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, अलाउद्दीन खिलजी के, रणवीर सिंह के, कुतुबुद्दीन ऐबक के और हर्षवर्धन के। आंसर इज वेरी सिंपल, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिंदी निर्माता विधि निर्माता कौन है? है ना, आपको मालूम है कि जो एक मनु थे उन्होंने एक किताब की रचना की है जिसे मनु स्मृति कहा जाता है। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नहीं बेटा, अभी कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोलो, अभी लड़की देखा है, अभी शादी फिक्स नहीं हुई है। तो जो मनु है उन्होंने मनु स्मृति लिखा है और जो मनु स्मृति है हिंदुओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो आंसर इज मनु। कौटिल्य की किताब का नाम क्या है? जो कौटिल्य हैं इनके अपने आप में 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य कहा जाता है। इनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। कपिल अलग चीज है, कपिल मुनि है ना, इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया जिसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। वात्स्यायन की कामसूत्र किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़ लेना, वैसे पढ़ना चाहिए सबको। कामसूत्र इज गुड बुक, आप पढ़ लीजिएगा तो आपकी जिंदगी में खुशियां आती रहेंगी। ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है जी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और नसीरुद्दीन महमूद। आंसर इज वेरी सिंपल, मोइनुद्दीन चिश्ती। डन, मोइनुद्दीन चिश्ती इज राइट आंसर फॉर दिस। डन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए,
पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, याद रखना मोहम्मद पैगंबर साहब का जो जन्म है ना 570 में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, है ना। कई लोग 620 या 622 कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गलत आंसर हो जाता है, ठीक है, बेइज्जती हो जाएगी, बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था जी? 1469 में हुआ था, और कहां पर हुआ था? तलवंडी, दरवाजा बंद कर, तलवंडी, कहां पर हुआ था? तलवंडी में, ठीक है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब कहां पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था, 1469 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए महाराज, अगला सवाल है, चैतन्य ने शिक्षा दी है किसकी? भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, और सूफी मत की। जो चैतन्य है उन्होंने शिक्षा दी है किसी मारिय? भक्ति की, है ना। चैतन्य भक्ति की बात करते हैं, अपने नाम सुनाऊंगा चैतन्य का। अगला सवाल है, गुरु नानक जी के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? जो गुरु नानक है जिन्होंने सिख रिलीजन की स्थापना की थी, प्रारंभ किया था, उनके शिष्य थे लहना, और जो गुरु लहना है वो किस नाम से फेमस हुए थे? गुरु अंगद के नाम से फेमस हुए थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगला सवाल ये लीजिए, खूबसूरत सवाल है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे जी? ऑप्शन ए राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, संगीतज्ञ या नर्तक, है ना। तो क्या थे? संगीतज्ञ। याद रखना मैं जितने सवाल आपके स्क्रीन में करा रहा हूं माय डियर, ये सारे सवाल्स हैव बीन पूछे गए इन सो मेनी एग्जाम्स, ध्यान रखिएगा, ढेर बार पूछा गया है सवालों को ना, ठीक है, ढेर सारे बार इन क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। एक बाजू में हमारे रूम लिया है, पिछले 4 महीने से डेकोरेशन का काम उसके यहां पे चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कितना कहा डेकोरेशन करा है। एक दिन घुस कर देखेंगे इसे घर में कहा दिख रहा है, पता नहीं क्या। सर आप हैंडसम लग रहे हो बेटा, बचपन से हूं, जब पैदा हुआ था ना तभी हमारे गांव में आवाज ढिंढोरा पिट गया था कि बहुत हैंडसम बच्चा पैदा हो गया गांव में गलती से। तो पता नहीं क्या डेकोरेशन चल, डेली काटा पाउली चलती रहती है, कहीं लकड़ी कटती है, कहीं कुछ पता नहीं क्या करते रहता है। सच में हम आदमी हैं, नॉर्मल सा जी लेते हैं यार, हैं ऊपर टी शर्ट पहन के नीचे चड्डी पहन के पढ़ाए थे, पता है आप लोगों को पता तक नहीं चलता होगा कि हमने नीचे क्या पहना है, क्योंकि हम सिर्फ इतने दिखते हैं, और ये पता नहीं क्या डेकोरेशन करा रहा है, समझ नहीं आता, बहुत दिनों से चल रहा है इसका। नेक्स्ट, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर बोलते हैं ध्यानचंद जी को, और सितार का जादूगर कहा जाता है रहीम सेन जी को। किसको? रहीम सेन जी को सितार का जादूगर कहा जाता है। डन, अगला सवाल ये लिए, गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? जो गुरु नानक जी थे इनका वास्तविक नाम क्या था? नानक, ठीक है, गुरु आगे लगाते थे इस कारण से गुरु नानक होते हैं ना। याद रखना गुरु रंधावा अलग चीज है ना, पता चले गुरु रंधावा को भी गुरु मान लो वो अलग है, गुरु रंधावा इज अलग चीज, डिफरेंट, ठीक है। चलिए, तानसेन जी का वास्तविक नाम क्या था? जो तानसेन जी थे इनका वास्तविक नाम कौन था? राम तनु पांडे, का नाम था? पांडे जी थे, पांडे जी, है ना, ठीक है। चलिए, पांडे बैठे डाने में, राम तनु पांडे, राम तनु पांडे, तानसेन जी का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे, है ना, हंसना मना है। अगला, गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम, जो हमारे टाइपिस्ट हैं, ऐसे टाइपिस्ट करते हो क्यों, है ना, एक थे गौतम बुद्ध और एक थे कौन, भगवान महावीर, है ना। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के रियल नेम अलग अलग है। गौतम बुद्ध जी का रियल नेम था सिद्धार्थ, सिद्धांत नहीं है, सिद्धार्थ। किसने टाइप किया? डेट बताऊं किस दिन टाइप किए थे? डेट बता रहा हूँ, लिख लो किसी डेट में। तुमने 14 नवंबर को फाइल टाइप की थी वाली, 14 नवंबर 2019 को तुमने फाइल टाइप की थी, रात रात को की होगी, हाँ सॉरी हाँ। तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक रियल नेम था मारिया सिद्धार्थ, जबकि भगवान महावीर का रियल नेम था वर्धमान। याद रखना दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और आजकल एक और क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में है, पूछ ले मान लो, लिख लेना संदीप सर का रियल नेम बचपन का नाम क्या है, गोलू, मान लो एग्जाम अगर आ जाए तो लिख लेना, बता रहा हूं मैं, बाद में ये ना हो कि पूछा नहीं सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। अगला, गौतम बुद्ध का वास्तविक नेम क्या था जी? क्या था? अलग ही ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, गौतम बुद्ध का वास्तविक नेम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। चलो, कितने क्वेश्चन हो गए? 18 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 18 क्वेश्चंस की स्लाइड थी, 18 क्वेश्चन करा दिया, अच्छे से पढ़ने में बता रहा हूँ। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना पेड क्लास में, अगर पता हो तो पिछले 5 दिन में मैं पेड क्लास में कम से कम 250 PPT दिए, 1000 PPT मिलेगी,
अभी तक नहीं हो तो आ सकते हो, धुआंधार तरीके से कराया, ठीक है। बाकी YouTube में आज से बहुत ही एनर्जी के साथ कराने वाले, माता रानी का आशीर्वाद ले लिया, धर के जेब में भी भर लिया है और दिल में भी, बेहतरीन क्लास कराएंगे, ठीक है। अलस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन गया किनारे, अब बेहतरीन कराते हैं तैयारी। और ठंड आ चुकी है, इस कारण से बता रहा हूँ, ठंड अगर आ गई है तो पानी बचाओ अभियान शुरू करो, कम नहाया करो। आज से अपन थोड़ा कम नहाएंगे, हालांकि वैसे ही पहले ही कम नहाते थे, अब थोड़ा और कम नहाएंगे। बाय बाय। फेस वॉश लगाते रहना मुंह में, और पानी पानी चुपर लिया करो बालों में, जैसे अभी मैंने चुपर लिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं नहाया हूँ कि नहीं नहाया, ठीक है। बाय।